इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं कांति मोटर्स छिंदवाड़ा। विधानसभा मतदान के दिन शाहपुरा के गांव में ग्रामीणों ने मतदान का पूर्ण रूप से बहिष्कार किया। जानकारी के अनुसार शाहपुरा में मतदान केंद्र 165 शासकीय शाला शाहपुरा में कुल मतदाता 1062 हैं। इन मतदाताओं में से किसी ने भी मतदान नहीं किया। मतदान का बहिष्कार ग्रामीणों ने इसीलिए किया क्योंकि कांग्रेस ने नीरज बंटी पटेल को टिकट नहीं दिया था। अधिकारियों ने गांव के लोगों से वोटिंग करने की गुजारिश की लेकिन अभी तक कोई भी वोट देने नहीं आया। शाहपुरा मतदान केंद्र में 548 पुरुष और 514 महिला मतदाता हैं। अब ये सर आपको गांव का नहीं मालूम लेकिन अभी तक पिछले आए थे दो उन्होंने हमको इसमें मार्को में पूरा साथ दिए लेकिन उन्होंने फिर उसके बाद ये मना कर दिया कि हम उठे वोट नहीं डालेंगे। बाकी अभी तक 9:30 बज चुका है लेकिन अभी तक ये एक भी मतदान करके नहीं आए। बाहर से कोई अधिकारी वगैरह? हाँ, अधिकारी सेक्टर साहब आए थे उनको बताया कि TI साहब आए थे उनको बताए और तहसीलदार साहब को भी बताया कि भाई इस टाइप की स्थिति है। तो सेक्टर साहब ने जो है वहाँ SDM को फोन किया, SDM से फोन आया था फिर कि भाई मतलब उनको बता देंगे स्थिति कि हाँ एक भी परसेंट मतलब मतदान नहीं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आज अपने सांसद पुत्र नकुलनाथ व पुत्र वधु प्रियानाथ के साथ मतदान किया। नाथ परिवार ने सुबह 7:30 शिकारपुर स्थित श्री हनुमान मंदिर पहुंचकर विधि विधान से पूजा अर्चना की, जिसके बाद सपरिवार शिकारपुर स्थित मतदान केंद्र क्रमांक 17 पर पहुंचे और अपने मताधिकार का प्रयोग किया। भाजपा प्रत्याशी विवेक बंटी साहू ने अपने पैतृक निवास छापाखाना के मतदान केंद्र में वोटिंग की। इस दौरान बंटी साहू के साथ उनका परिवार मौजूद था। बंटी साहू ने सुबह करीब 10 मतदान केंद्र पहुंचकर मतदान किया। इस दौरान उनकी धर्मपत्नी और परिवार ने भी मतदान किया। अपनी माँ के साथ अपनी पत्नी के साथ आकर के यहाँ मतदान किया है। यह मतदान छिंदवाड़े के लिए है। यह मतदान छिंदवाड़ा जो इतिहास रचने जा रहा है उसके लिए है। यह मतदान छिंदवाड़े के विकास के लिए है। और निश्चित तौर पर इस मतदान में आज जो उत्साह वो जोश और उमंग दिख रही है उसमें तय है कि छिंदवाड़े में भारतीय जनता पार्टी विजय से हासिल होने जा रही है। पूर्व कैबिनेट मंत्री चौधरी चंद्रभान सिंह ने अपने क्षेत्र में परिवार के साथ मतदान करने पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि पूर्ण बहुमत से भाजपा सरकार बनाने वाली है। वहीं दीपक सक्सेना भी अपने परिवार के साथ मतदान केंद्र पहुंचे और मतदान किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस भारी मतों से विजयी होकर कांग्रेस की सरकार प्रदेश में बना रही है। आज मध्य प्रदेश विधानसभा के लिए मतदान सम्पन्न होने जा रहा है और पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही है। मुझे ऐसा लगता है कि इस बार 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बनेगी। विधानसभा चुनाव में पहली बार मतदान करने वाले युवा वर्ग में काफी उत्साह देखा गया। विधानसभा निर्वाचन में नव मतदाताओं ने उमंग व उत्साह के साथ पहली बार मतदान किया। जिले के विभिन्न मतदान केंद्रों में वोट डालने आए ऐसे युवाओं ने बताया कि लोकतंत्र के पर्व में सहभागिता का अनुभव अद्भुत है। निर्वाचन की पूरी प्रक्रिया में उन्हें अपने मत का महत्व पता चला। युवाओं ने कहा कि वे इस बात से खुश हैं कि लोकतंत्र की प्रक्रिया में उनकी भी भूमिका है। फर्स्ट टाइम मैंने वोट दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं पिछले साल से ही सोच रही थी कि इस साल मैं वोट दूंगी और वोट देके मुझे बहुत अच्छा। मेरा 20 है, मैंने वोट दिया है। हाँ, पर फर्स्ट टाइम वोट है मेरा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वेट था मुझे इस बात का और बहुत अच्छा लग रहा है। इस दशहरा और दिवाली में पाएं आशुतोष कंप्यूटर में ऑनलाइन से भी सस्ते दाम में लैपटॉप, डेस्कटॉप, सीसीटीवी कैमरे, कंप्यूटर एक्सेसरीज, कीबोर्ड, माउस और भी बहुत कुछ। तो एक बार जरूर आएं आशुतोष कंप्यूटर, M34 फर्स्ट फ्लोर, मानसरोवर कॉम्प्लेक्स छिंदवाड़ा और आनंदी कॉम्प्लेक्स जमाई रोड परासिया। मोबाइल नंबर 9993773161, 9302773161। वोल्टास बैको की एक्सक्लूसिव ब्रांड शॉप
अब आपके शहर छिंदवाड़ा में नागपुर रोड नियर इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रारंभ हो चुकी है, जहां पाएंगे आपके घर की जरूरतों के होम अप्लायंसेस की विशाल श्रृंखला, जिसमें वोल्टास, बैको के एयर कंडीशनर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर और भी बहुत कुछ। तो एक बार जरूर पधारे नियर इलेक्ट्रॉनिक्स DDC कॉलेज के सामने नागपुर रोड छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9425936566, 9165866666। नवरात्र दशहरे के पावन पर्व पर कुबोटा ट्रैक्टर खरीदने पर पाएं 10 ग्राम सोने का सिक्का मात्र 39,000 के डाउन पेमेंट पर घर ले जाएं। जापान का नंबर एक कुबोटा ट्रैक्टर, संपर्क करें ऐश्वर्य एजेंसी, चार फाटक छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9425306199। और बता भाई सूरज कैसा चल रहा है तेरा होम पेंटिंग का काम? मुझे तो लग रहा है कि बहुत जल्दी काम निपटा दिया इन्होंने। आइए आइए सुरेश अंकल, बस बढ़िया ही चल रहा है होम पेंटिंग का काम। चलिए आपको बाहर से दिखाता हूँ सब काम कैसा हुआ है। हाँ हाँ चलो बाहर से भी देखते हैं। ये देखिए अंकल, पूरा घर चमका दिया है इन्होंने बहुत जल्दी। अरे सूरज बेटा, मुझे भी उनका एड्रेस और कॉन्टेक्ट नंबर दे दो जिनसे तुमने होम पेंटिंग का काम कराया है। हाँ हाँ क्यों नहीं अंकल, उनका नाम है सिटी पेंट और वो आपको कलर पेंट, वाटर प्रूफिंग और सेल्फ पेंटिंग की सर्विस देते हैं। उनके यहाँ आपको एशियन पेंट्स, नेरोलेक पेंट्स और डुलेक्स पेंट्स की रेंज मिल जाएंगी। वो सेफ और फास्ट होम पेंटिंग की सर्विस देते हैं। उनका एड्रेस है नरसिंहपुर नाका छिंदवाड़ा MP और मोबाइल नंबर है 9826588245। धन्यवाद। परासिया रोड स्थित निजी क्लिनिक चलाने वाले मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर संदीप जैन के ऊपर मारपीट और गाली गलौज का आरोप लगा है। मिली जानकारी के अनुसार सुबह करीब 10 बजे लुइस फ्लिप्स शोरूम की महिला कर्मचारी के साथ डॉक्टर संदीप जैन ने बोर्ड लगाने को लेकर विवाद और अभद्रता की थी। इस दौरान बीच बचाव करने पहुंचे शोरूम के अन्य युवक के साथ डॉक्टर संदीप जैन और संजय मेडिकल स्टोर के संचालक द्वारा मारपीट करते हुए गाली गलौज की गई, जिसकी शिकायत पीड़ित पक्ष के द्वारा कोतवाली थाने में दर्ज कराई गई है। घटना के बाद अब डॉक्टर संदीप जैन की होंडागर्दी का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। स्टोर ओपन कर रहा था मेरी महिला कर्मचारी के साथ, वो दुकान की बोर्ड बाहर रख रही थी। डॉक्टर संदीप जैन आए यहाँ पे, उन्होंने बोला कि यहाँ बोर्ड मत रखिए आप। हमने बोर्ड उनके कहने पर हटा लिया गया, पर वो वापस से बदतमीजी करने लगे और हमने बदतमीजी करने के साथ साथ उन्होंने हमें गाली गलौज भी किया और अब मारा पीटी भी किया उन्होंने, और हमारे बॉस का नंबर लिया और उन्होंने संजय मेडिकल वाले ऑनर को बुलाया और उनके कर्मचारी को मिला के हमारे साथ मारपीट की गई। पांडुना के संतोषी माता वार्ड में पूर्व जनपद सदस्य जोगीलाल पिता दामाजी कुमरे के वाहन क्रमांक MP28CA1391 से पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए 43 लीटर शराब जब्त की गई। वाहन मालिक पर धारा 34A के अंतर्गत कार्रवाई की गई। वहीं दूसरा मामला इसी क्षेत्र के कृषि भूमि के कोर्ट से दो आरोपी अरविंद सोमेश्वर क्षीरसागर एवं चंदन क्षीरसागर से 84 लीटर शराब बरामद की गई। पांडुर्णा पुलिस द्वारा दोनों मामलों में आबकारी एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया, वहीं एक आरोपी की तलाश जारी है। संतोषी माता वार्ड जो पांडुर्णा का वार्ड है, इसमें जोगीलाल कुमरे ये बेसिकली जो है बेलगांव मोहगांव का रहने वाला है। जब इसकी गाड़ी आदि चेक की गई तो बोलेरो से जो है शराब, 5 पेटी शराब जो पकड़ी गई है और बुलेरो जो है वो भी जब्त किया गया है, आरोपी को भी कस्टडी में ले लिया गया है। दूसरा प्रकरण भी संतोषी माता वार्ड का है, जिसमें सूचना मिलने पर FST के द्वारा कार्रवाई की गई थी, जिसमें एक घर में शराब जो है काफ़ी मात्रा में पाई गई थी, प्लेन शराब थे वो भी जब्त हुई है, वो भी करीब जो है 84 लीटर करीब जो है वो जब्त की गई है, इसमें आवश्यक कार्रवाई जो है की जा रही है। किसकी दारू में? विधानसभा मतदान को लेकर आज लोगों में काफी उत्साह देखा गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसी बीच कई जगहों से बहिष्कार और विवादों की खबर भी आती रही, जिसमें खजरी बूथ से विवाद का वीडियो शाम को वायरल होते नजर आया।
विधानसभा क्षेत्र 128 के अंतर्गत आने वाले ग्राम नोन छापर जो दूरस्थ जंगली अंचल में आता है एवं बूथ क्रमांक 75 निर्वाचन आयोग द्वारा बनाकर इस ग्राम के मतदाताओं को मतदान की आवश्यकता को पूरा करने की व्यवस्था बनाई गई, लेकिन ग्रामीणों द्वारा एकजुटता का परिचय देते हुए मतदान केंद्र में सुबह से लेकर शाम तक डटे रहे एवं किसी भी ग्रामवासी ने मतदान नहीं किया, ना ही निर्वाचन कार्य में लगे कर्मचारियों को भी मतदान नहीं करने दिया। सड़क जैसे आवश्यक अधिकार के लिए ग्रामीणों का कहना है कि जब किसी प्रकार का अधिकार एवं उनकी आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती तो यह चुनाव क्यों किया जाता है। विधानसभा मतदान को लेकर आज लोगों में काफी उत्साह देखा गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसी बीच कई जगहों से बहिष्कार और विवादों की खबर भी आती रही, जिसमें दोनों पक्षों के बीच तीखी नोक झोंक होती देखी गई, तो कहीं हाथापाई भी हो गई। खजरी बूथ से विवाद का वीडियो शाम को वायरल होते नजर आया। दूसरी ओर भाजपा पार्षद विजय पांडे ने सांसद नकुल नाथ को बरारीपुरा बूथ में नहीं जाने दिया, जिससे कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नाराजगी देखी गई। इस पर विजय पांडे ने कहा कि सांसद आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे थे, इस वजह से उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया। हमारे जिले के सांसद नकुल नाथ जी चार गाड़ियों का काफिला लेके और सैकड़ों लोगों को लेके और मतदान केंद्र पर घुसने का उन्होंने प्रयास किया, जिसको हमने रोकने का काम किया है। और हमने आपत्ति ली जब उनके पास आइडेंटिफिकेशन नहीं था, तो उनको हमने उस दरवाजे से वापस किया है। वहीं परतला क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी विवेक बंटी साहू के बूथ के अंदर जाने से कांग्रेसियों ने हंगामा कर दिया और मतदान के बाद बूथ के अंदर जाने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने समय होने के बाद वोटिंग करवाने का आरोप लगाया। नहीं, मुझे लेटर दीजिए, आप विजिटिंग वाला लेटर कैसे रोक सकते हैं? विजिटिंग लेटर दीजिए, प्रत्याशी का रोक नहीं सकते विजिटिंग लेटर। दो ना, क्यों बढ़ूंगा? एक वीडियो बना लिया ना, वीडियो बना वीडियो कि जब लेटर नहीं दे रहे आप मुझे प्रत्याशी का विजिटिंग लेटर दीजिए। पीटर सिंह, मुझे विजिटिंग लेटर क्यों नहीं दे रहा? बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो।